कंपनी इंडिया का है तो इंजीनियर को जानकारी भी वही की है, क्योंकि जो नेपाल की कॉन्टेक्ट कंपनियां भी है ना, हाँ, तो प्रॉपर में अभी इलेक्ट्रिकल के बारे में सही से जानकारी नहीं है, इसलिए ये टेंडर भी इंडिया की कंपनी को दिया गया था। हाँ, वजह से वो सारा काम इंडिया की वजह से ही। हाँ, ठीक। यति गाह्रो छैन, अब सबै इन्जिनियरहरू इन्डियाकै हुनुहुँदो रहेछ, अनि कस्तो किसिमले उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले ट्रेन गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई? उहाँहरूले त राम्रै सिकाएको छ, यो पोलिटेक्निकमा हामी 2003 हौ, हामीले सिकिसक्यो काम हो, ए गाह्रो पर्दैन, नयाँ मान्छेहरूले गाह्रो पर्छ भनेको त्यति। दर्शक भाइ नमस्कार, नमता न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जडीबुटीको यो लाइनमा, जडीबुटी र पेप्सिकोला जाने बाटोको यो बिचमा छु र यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नेपालमा विद्युत प्राधिकरणको यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो। नेपालमा यस्तो किसिमको विभिन्न यी तारहरू फैलिएर रहेका छन्, विभिन्न यी तारहरूको व्यवस्थापनको लागि पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले चालेको यो कदम अत्यन्तै सराहनीय छ र अत्यन्तै राम्रो पनि मानिन्छ। र पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता ठुला ठुला मेसिनरीहरूको प्रयोगबाट खाल्टोहरू खन्ने र पाइपहरू गाड्ने कामहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ र यी पाइपहरू बिछाइएको छ यहाँ, यो पाइपको भित्रबाट चाहिँ विद्युतलाई प्रवाह गर्ने भनेर जुन अन्डरग्राउन्ड विद्युत अन्डरग्राउन्डबाट चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ जुन पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले चालेको यो कदमलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो विभिन्न अपडेटहरू म तपाईँलाई दिने कोसिसहरू गरिरहेको छु।
आपका शुभ नाम क्या है जी? श्याम। हाँ, आज प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मैं पूछेगा, आप किधर से हो जी? इंडिया, दिल्ली से। हाँ हाँ, कंपनी नाम क्या है जी? एल एन टी कंपनी। हाँ हाँ, ये प्रोजेक्ट L&T कंपनी से आप इधर नेपाल में आया ना? हाँ, कितना टाइम हो गया आप इधर आए? मुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गया। हाँ, 2 महीने का काम का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है जी? तो अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है। नेपाल का पब्लिक भी सपोर्ट करता है, और लोग भी सपोर्ट करते हैं, एनजीओ विभाग भी सपोर्ट करता है। हाँ, नेपाली आदमी कैसा लगा आपको? सारा नेपाली लेबर है यहाँ पर, टोटल अच्छा है। हाँ, पूरा आदमी लेबर पूरा नेपाली है। हाँ, बहुत सपोर्टिंग है। पूरा ही टोटल हमारा सारा लेबर नेपाल से। हाँ, और बता दीजिए, ये कंपनी नेपाल में जो काम कर रहा है, कितना जगह में काम हो रहा है आपको मालूम है? ये कीर्तिपुर में हो रहा है, बलम्बू की साइड हो रहा है, थानपुर की साइड हो रहा है, और ये कुटेश्वर हो रहा है, और ये बालकुमारी की साइड हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितना आदमी है इंडिया का इधर काम कर रहा है अभी? इंडिया का तो इंजीनियर वगैरह मिला के करीब 50 या 100 के आसपास होगा। हाँ, 100 का आसपास में। हाँ, नेपाली कॉन्ट्रैक्टर भी काफ़ी है। हाँ, नेपाली कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी है, और पूरा इंजीनियर पूरा इंडिया का है। वो तो इंडिया का कंपनी, इंडिया का है, तो इंजीनियर को जानकारी भी वहीं की है, क्योंकि जो नेपाल की कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां भी है ना। हाँ हाँ, तो प्रॉपर में अभी इलेक्ट्रिकल के बारे में सही से जानकारी नहीं है, इसलिए ये टेंडर भी इंडिया की कंपनी को दिया गया था। हाँ हाँ, इस वजह से वो सारा काम इंडिया की वजह से ही। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। और जो आपको नेपाली कॉन्ट्रैक्टर है, वो धीरे धीरे सब काम सीख भी रहे हैं। हाँ, अपना आगे करना भी चालू कर रहा है। हाँ, नेपाली कॉन्टैक्ट में अभी इधर लर्निंग कर रहा है, धीरे धीरे लर्निंग कर रहा है। हाँ, ठीक है। आप क्या इंजीनियर हैं आप? नहीं, मैं सुपरवाइजर। हाँ, सुपरवाइजर है। हाँ, ठीक है। अभी नेपाल में अच्छा काम चल रहा है ना? कब जाएगा अभी मुल्क? एक से डेढ़ साल के लिए आप इधर आया। हाँ, कैसा है अभी नेपाल में जो काम चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये प्रोजेक्ट का क्या बॉस किधर है अभी? बॉस तो अभी साइट पे उसके लिए गए हैं। साइट पे। हाँ हाँ हाँ, बॉस का नाम क्या है जी? विनोद कुमार मिश्रा जी। विनोद कुमार मिश्रा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आपका ये अकोमोडेशन अभी नेपाल में जो आप बैठा है, कि अच्छा है ना? अच्छा है। अकोमोडेशन है ना? ईमानदारी है यहाँ पर, सामान अगर कोई भी छोड़ गया हो या कोई भी रहता है, ऐसा कोई गलत बनना नहीं है। अच्छा 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 है। हाँ हाँ, इधर ऐसे ऐसा रास्ता में जितना भी सामान छोड़ के जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इधर सेफ्टी के साथ आप सामान छोड़ के जाओ तो छूने वाला कोई नहीं। हाँ, छोड़ने वाला कोई नहीं है। तो नेपाली आदमी लोग अभी तक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है ना? हाँ, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट आपका ध्यान से कितना टाइम लगेगा अभी? अच्छा काम खींचने लगा है, सर्विस के बिल वगैरह भी आने लगा, 1 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने का चांस है। हाँ, 1 साल के अंदर खत्म होने का चांस है। लाइन चार्ज हो जाएगा, माफी का कनेक्शन हट गया। हाँ, अच्छा, कनेक्शन हो भी चुका है। हाँ हाँ, चार्जिंग होने के बाद। हाँ, डिसमेंटल करने की तैयारी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा टाइम दे दिया हम लोग के लिए। ठीक है, ओके। नमस्कार दाजु, अलि माथि आएर बोल्दैन ल। हजुरको शुभ नाम दाई? केशव रामदेल। ए, कहाँदेखि हुनुहुन्छ दाई? बैतडीदेखि। ए, अब यो प्रोजेक्टमा हजुर जोडिनु भएको कति समय भयो दाई? यो पेसा गर्नु भएको 2003 देखि, तर यो प्रोजेक्टमा जोडिनु भएको चाहिँ भर्खरै 1 महिना उन लाग्यो। ए, अनि यो प्रोजेक्टमा काम गर्दै गर्दा हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? कतिको गाह्रो सजिलो? त्यति छैन गाह्रो, अब गाह्रो भने त भइहाल्छ, त्यति गाह्रो छैन। ए, त्यति गाह्रो छैन। अब सबै इन्जिनियरहरू इन्डियाकै हुनुहुँदो रहेछ, अनि कस्तो किसिमले उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले ट्रेन गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई? उहाँहरूले त राम्रै सिकाएको छ, यो पोलिटेक्निकमा हामी 2003 देखि हौ, हामीले सिकिसक्यो काम हो। ए, गाह्रो पर्दैन, नयाँ मान्छेहरूलाई गाह्रो पर्छ। अब भनेको त्यति गाह्रो भएको छैन, सिकिरहनु भएको छ। ड्युटी टाइम कति छ दाइ? कति बजेदेखि आउनुहुन्छ, कति बजी जानुहुन्छ? 9:30 देखि 7 बजे हो। ए, 9:30 देखि 7 बजेसम्म है? ए, अनि के खाजा नास्ता खानाको व्यवस्थाहरू सबै राम्रै दिएको छ?
ए कम्पनीले नै एकमेन्डेसन एउटा लिएर राखेको छ कि हजुर आफै आफै भन्नु भएको छ? हामीलाई भनेको सेवा सुविधाहरू पनि स्यालेरीहरू राम्रै दिइरहेको छ।